साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की। शहर में कोरोना का बढ़ा कहर। कोरोना के 245 नए मामले आए सामने, 245 नए केस आए सामने व 26 मरीज अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में बीजेपी ने एक ही वार्ड में दो कैंडिडेट को दिए टिकट। लखनऊ के भरवारा मल्होर वार्ड में बीजेपी के दो प्रत्याशी पार्टी के आलाकमान गुत्थी सुलझाने में जुटे। लखनऊ में नगर निगम चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। प्रथम चरण के नामांकन के बाद मैदान में उतरे प्रत्याशी। लखनऊ के 7 वार्डों में होगा पहली बार चुनाव। लखनऊ में कर्मचारी ने लूट की गड़ी थी झूठी कहानी। पुलिस की पूछताछ में पकड़ा गया कर्मचारी। पैसे की जरूरत के चलते गड़ी थी लूट की ये पूरी झूठी कहानी। लखनऊ में ईद के मौके पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। रोडवेज प्रशासन कई रूटों पर चलाएगा अतिरिक्त बसें। अंबेडकर नगर में अवैध असलाह के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। बरुआ जला की मार्ग नई पट्टी मोड़ के पास हुई गिरफ्तारी। 4 आरोपी वर्चस्व बनाने को लेकर चलाते थे अवैध असलहे। कानपुर में कोहना पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। गंगा बैराज में नहीं थम रहा स्टंटबाजी का मामला। कार की छत के खड़े युवक का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में छात्रावास के अंदर दो गुटों में हुई जमकर मारपीट। नेहरू बाल वाटिका के पीछे बना छात्रावास दबंगई का अखाड़ा। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने कई छात्रों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में असलहे के बल पर महिला से लूट की वारदात। लुटेरों ने महिला के घर के पास दिया वारदात को अंजाम। पूरी वारदात घटनास्थल पर लगे कैमरे में हुई कैद। विदेशी चंदा मामले पर 4 एनजीओ पर हुई एफआईआर। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने केस दर्ज होने के बाद शुरू की जांच। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद। 12 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। संभल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रास्ते में धूप लगने से युवक की मौत। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर। दो बाइक की आपस में टक्कर। दो युवक गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। प्रिंसिपल कार्यालय में लाठी डंडे लेकर घुसे दबंग। मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। जामा मस्जिद में प्रेस वार्ता का आयोजन। अध्यक्ष जाहिद कुरैशी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। यूपी निकाय चुनाव में जीत के लिए सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। बोले असहमति में निकाले सहमति का रास्ता। अखिलेश यादव ने फिर साधा भाजपा पर निशाना। बोले ध्यान भटकाने के लिए भाजपा उछाल रही नए नए मुद्दे। कांग्रेस में अंतर्कलह बरकरार। प्रदेश महामंत्री बिट्टू पार्टी से निष्कासित। सामने आ रहे मतभेद। फिरोजाबाद में गोली मारकर युवक ने किया सुसाइड। परिवार से चल रहा था जमीनी विवाद। ससुर ने मां बाप पर लगाया हत्या का आरोप। पीलीभीत में सपा नेता की पोस्ट। लिखा सपा को बेचने में जुटे जिलाध्यक्ष। खुद को बताया टिकट बिक्री का प्रत्याशी।
एयू में प्रोफेसर की छात्र से अभद्रता, पहले अपशब्द कहे फिर टॉर्चर किया, दबाव बढ़ा तो कान पकड़कर माफी मांगी, बोले बीपी बढ़ गया था। चूहे के बाद अब कुत्ते का पोस्टमार्टम। पीलीभीत में पड़ोसी ने गोली मारकर की हत्या, मालकिन बोली सीनू को बच्चे की तरह पाला। मुरादाबाद में पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद, दहेज के लिए बीवी के गले में फंदा कसकर मारा था, सास को अदालत ने बरी किया। आगरा में पुलिसकर्मियों पर किशोर को पीटने का आरोप, चौकी पर सब्जी लाने से मना करने पर पीटा गया, ग्रामीणों ने चौकी घेरी। लखनऊ में लुटेरों से भिड़ी बहादुर महिला, तमंचा दिखाने पर भी नहीं हटी, पीछे दौड़ा करके पकड़ने की कोशिश। मेरठ कैंट से फर्जी मेजर गिरफ्तार, सेना में नौकरी के नाम पर करता था ठगी, आर्मी इंटेलिजेंस जांच में जुटी। मिनी ट्रक पर खड़े होकर दो युवकों ने लहराई तलवार, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर एक को तलवार सहित किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए टीम गठित, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किया मंथन। अमरोहा में विधवा महिला की गर्भपात के दौरान मौत, पंचायत ने आरोपी प्रेमी पर लगाया 1,00,000 का जुर्माना। उन्नाव में अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग, 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख, किसानों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। अमरोहा में डिवाइडर की रेलिंग से टकराई रोडवेज बस, 12 से ज्यादा यात्रियों को आई चोटें, दिल्ली से मुरादाबाद जा रही थी बस। उन्नाव में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, शव की हुई पहचान, किराए का कमरा लेकर रहता था युवक। बदायूं में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, दो घायल, ईंट भट्टे के पास हुआ हादसा। मांस विक्रेता की हत्या करने में दो सगे भाइयों को उम्र कैद, 53,000 रुपए का लगाया जुर्माना। मेरठ में गुरुग्राम की टीम ने की छापेमारी, निव्या कोस्को और विक्की के बनाए जा रहे थे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, एक आरोपी को पकड़ा। उन्नाव में आगजनी में झुलसे दोनों बच्चों की हालत बिगड़ी, उर्सला कानपुर से केजीएमयू लखनऊ किया रेफर, पुलिस ने चाचा को किया गिरफ्तार। मेरठ में लुंगी पहनकर एनसीबी के प्रत्याशी ने किया नामांकन, काला चश्मा, सिर पर टोपी लगाकर पहुंचे शकील अहमद। शामली में दो अपहरण किए बच्चे बरामद, मात्र 7 घंटों में पुलिस ने किया बरामद, आरोपी भी हुए गिरफ्तार। रायबरेली में शारदा नहर में बहता दिखा शव, अफरा तफरी का माहौल, पुलिस शव को बाहर निकालने का कर रही प्रयास। हापुड़ में हत्यारे पति को 7 साल की जेल, 15,000 रुपए लगा जुर्माना, 7 साल पहले दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारा था। ललितपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली सवारियों से भरी टैक्सी में भिड़ी, टैक्सी में सवार 12 से अधिक लोग घायल, 9 अस्पताल में भर्ती।
सुल्तानपुर में राज होटल संचालक को नोटिस जारी, माना के विपरीत कराए कंस्ट्रक्शन, ना लिया एनओसी और ना ही पास कराया नक्शा। गाजीपुर में कोरोना संक्रमित महिला की इलाज के दौरान हुई मौत, वाराणसी में चल रहा था इलाज, जिले में 2 एक्टिव केस, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। फ्लैट में लटका मिला युवक का शव, लखनऊ में गोयल अपार्टमेंट में बाराबंकी से आकर रुका था, गर्दन से बह रहा था खून। किशोरी से दुष्कर्म करने पर मिली 10 साल की सजा, सहारनपुर में 2018 में दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट में मुकदमा। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स के हथियारों से हुए 100 से अधिक सवाल, लवलेश, सनी और अरुण से एसआईटी टीम ने की पूछताछ। संबल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने, इलाज में लापरवाही से बच्चे की मौत। प्रयागराज में अतीक की कब्र पर कांग्रेस नेता ने चढ़ाया तिरंगा, कांग्रेस नेता ने माफिया अतीक को बताया शहीद, अतीक के लिए भारत रत्न की मांग की, वहीं आरोपी हुआ गिरफ्तार। अलीगढ़ में आपसी कहासुनी में हुई जमकर मारपीट, खूब चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव, एक महिला हुई घायल, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में 5 लाख के इनामी को पुलिस पकड़ने में रही नाकाम, जांच एजेंसी और राशिद नसीम की बातचीत का ऑडियो वायरल। फरीदाबाद में अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू, जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नोएडा में 3 साल के बच्चे का शव नाले में मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखनऊ में लुटेरों से भिड़ी बहादुर महिला, बदमाश के तमंचा दिखाने पर नहीं हटी पीछे, दौड़ाकर की पकड़ने की कोशिश। शाहजहांपुर में हुआ डबल मर्डर, बेटे ने पिता और दादी को मारी गोली, रुपए और जमीन को लेकर हुआ था विवाद। फतेहपुर में बिजली का तार टूटकर खेत में गिरा 5 बीघा फसल, जलकर हुई राख, पीड़ित किसान की बेटी की होनी है शादी। रायबरेली में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या, परिजन बोले देर रात दोस्त ने आकर घटना को दिया अंजाम। उन्नाव में डायरिया के मरीज बढ़े, स्वास्थ्य महकमा सतर्क, अस्पतालों में लग रही लंबी लंबी कतारें। कानपुर में रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर 2 लाख मांगा और 4 दोस्तों के साथ संबंध बनाने का बना रहा दबाव। औरैया में अग्निशमन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, स्कूल के छात्र छात्राओं ने सीखा अग्नि सुरक्षा का एक गुण, वही बचने के बताए उपाय। सिद्धार्थनगर में स्कूल चलो और संचारी रोग अभियान की निकाली गई रैली, जागरूकता रैली में बच्चों को दिलाई गई शपथ। हरदोई के अमीरुल हसन का डीआईजी पद पर हुआ प्रमोशन, सीआरपीएफ में थे तैनात, नगर में खुशी का माहौल। मैनपुरी में महिलाओं को दबंगों ने जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद।
अमरोहा के धनौरा में युवाओं का प्रदर्शन, बोले बाहरी प्रत्याशी को सपा और भाजपा ने दिया टिकट, हमें कतई बर्दाश्त नहीं। लवलेश के करीबियों से एसआईटी कर रही पूछताछ, दोस्तों और रिश्तेदारों के घर तक पहुंची टीम, परिवार अभी भी है गायब। शाहजहांपुर में कंटेनर ने बाइक को मारी टक्कर, 7 साल के बच्चे की मौत, मां और चाचा घायल, भाई का अंतिम संस्कार कराकर लौट रही थी महिला। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में 2 मंजिले से गिरकर युवक की मौत, देर रात नींद में हुआ हादसा। एक्शन में सिद्धार्थनगर सीएचसी अधीक्षक, कई केंद्रों का किया निरीक्षण, बोले अभियान में मिली लापरवाही तो होगी सख्त कार्रवाई। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित 10 मरीज मिले, कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 59 और एक मरीज की हो चुकी है मौत। बहराइच में घर में घुसा 13 फीट लंबा अजगर, वन कर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से पकड़ा, बोरी में बंद कर जंगल में छोड़ा। सपा से टिकट नहीं मिलने से बागी हुए नेता, कई कैंडिडेट लखनऊ के लगा रहे चक्कर, निर्दलीय भी उतर सकते हैं मैदान में। मथुरा के गोवर्धन में लगी आग, 10 लकड़ी की दुकानें जल गई, 5 सिलेंडर में हुए ब्लास्ट। पटाखा गोदाम में लगी आग, ब्लास्ट से सिहर उठे लोग, लखीमपुर खीरी में मचा हड़कंप, साबिर ने कर रखा था अवैध स्टॉक, एक मैजिक भी जल कर रहा। कानपुर में सऊदी और ईरानी खजूर की मांग बढ़ी, रमजान के महीने में सऊदी की अजवा खजूर सबसे अव्वल। लोडर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, चालक लोडर लेकर फरार, मजदूरी कर परिवार का करता था भरण पोषण। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक ड्राइवर की मौत, विशाखा फैक्ट्री में मॉल लोड करने आया था, अचानक बिगड़ गई थी हालत। जिले की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।